एक ऐसे एनिमे जिसके अंदर तुम्हें मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, साइफाई ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, जो कि रिलीज भी हुई और खत्म भी हुई। बट ना इसके बारे में किसी को पता चला और ना इसे कोई देखना चाहता है। मतलब इस काम की खबर उस काम को लगी नहीं। इनफैक्ट मुझे इसके हाइप के बारे में पता होने के बावजूद मैंने खुद कुछ वीक्स पहले ही इस एनिमे को देखकर खत्म कर दी। एंड उसे देखने के बाद आई रियलाइज कि ये एक ऐसे एनिमे जिसके अंदर तुम्हें वो सारी चीजें मिलेगी जो कि सक्सेसफुल और मास्टरपीस एनिमे के अंदर होती है। इनफैक्ट एक एनिमे को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, लाइक उसकी स्टोरी लाइन, प्लॉट ट्विस्ट, वो अगर सस्पेंस जॉनरा में हो तो वैसे सस्पेंस वाला माहौल, और अगर एक्शन जॉनरा में तो गॉड लेवल एक्शन। पर दिस एनिमे हैज ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स। मतलब इस एनिमे के अंदर तुम एक अच्छी स्टोरी लाइन, दिमाग हिला देने वाले प्लॉट ट्विस्ट, सांस रोक के रखने वाली सस्पेंस और मिस्ट्री, एंड स्टोरी को थोड़ा बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्शन विद साइंस फिक्शन। मतलब दिस एनिमे इज लिटरली परफेक्ट। बट द क्वेश्चन इज व्हाई इट्स सो अंडररेटेड। मतलब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और ना इस पर कोई बात करना चाह रहा है। इवन यूट्यूब पर भी तुम्हें इस पर बहुत कम वीडियो देखने को मिलेगी। तो बस बहुत वह इंट्रो, अब सीधा मुद्दे की बात करते। तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूटो। यस, इस एनिमे का नाम है प्लूटो, जिसके ऑथर नाओकी उरासावा है। एंड ये वही ऑथर है जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस बनी है। मतलब इन्होंने मॉन्स्टर एनिमे को बनाया। ही इज अ राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ मॉन्स्टर। एंड मॉन्स्टर एनिमे के बारे में मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो इससे तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि प्लूटो एनिमे की स्टोरी कैसी होगी। और फिर भी मूड नहीं हो रहा है देखने का, तो उसके लिए इसकी स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो प्लूटो ये एक साइफाई, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन बेस्ड एनिमे जिसकी स्टोरी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में चलती है, जहाँ इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है और इतने एडवांस रोबोट्स बनाए हैं ना कि रोबोट्स इज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। मतलब रोबोट्स भी अपना खुद का घर लेके अपनी लाइफ जी रहे। एंड उनका एआई इतना एडवांस है कि रोबोट शादी करके अपनी लाइफ जी सकते और वो एक रोबोटिक चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकते। इवन रोबोट्स भी सैड और हैप्पी हो सकते, वो भी अपनी लाइफ नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिताते हैं। मींस उनका यह इतना एडवांस है कि वो भी इंसानों की तरह रह रहे और अपनी लाइफ बिता रहे। एंड ह्यूमंस भी उन्हें कोऑपरेट कर रहे, वो भी उनके साथ खाते पीते एंजॉय करते। बट अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इतने एडवांस रोबोट्स बनाए तो उतनी रिस्क भी होगी, मतलब रोबोट्स अनकंट्रोल भी हो सकते या वही रोबोट ह्यूमंस को मार भी सकते। तो ना, उनका ये ऐसा डिजाइन किया है कि वो इंसानों को ना हार्म और ना किल कर सकते। एंड इन नॉर्मल रोबोट्स के अलावा दुनिया में सिर्फ ऐसे 7 रोबोट्स हैं जो इतने एडवांस हैं ना कि तुम उनमें और ह्यूमंस के बीच का डिफरेंस ही बता नहीं सकते। एंड वो बाकी रोबोट से 100 टाइम्स बेटर एंड पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, पावर लेवल, फाइटिंग स्पिरिट और एक्सेट्रा। और 7 रोबोट्स के पास एक अलग अलग पावर है। तो होता क्या है कि एक दिन अचानक से उन 7 एडवांस रोबोट में से एक की मौत होती है। मींस उसे कोई डिस्ट्रॉय करता है, दबा करता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे बचे वो 6 एडवांस रोबोट को कोई टारगेट कर रहा है, एक के बाद एक उन्हें वो डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। पर वो कौन है वो पता नहीं। इट्स अ ह्यूमन और रोबोट्स डोंट नो। तो वो कौन है जो कि वर्ल्ड के 7 एडवांस रोबोट्स को टारगेट बना रहा है और उसके पीछे उसका रीजन क्या है वो ढूंढ के निकलना है। वो कौन ढूंढेगा ये तुम एनिमे देखोगे तभी देखना, क्योंकि ये एक सस्पेंस मिस्ट्री एनिमे। तो जितनी स्टोरी कम पता चले उतना ही अच्छा है और उतना ही मज़ा आता है, नहीं तो एनिमे देखते हुए मज़ा नहीं आएगा। बट अगर मेरा पर्सपेक्टिव और मेरा रिव्यू दूँ तो ये एनिमे एक परफेक्ट एनिमे जो तुम्हें ऐसा मज़ा देगी ना लाइक मॉन्स्टर एनिमे को देखते हुए आया था वैसा सेम वाइब तुम्हें इधर मिलेगी। इवन इसके कैरेक्टर डिजाइन भी मॉन्स्टर एनिमे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते, जब तुम इसे देखोगे ना तब तुम कनेक्ट कर पाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा ही तुम्हें स्लो लगेगी, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे स्टोरी धीरे धीरे सस्पेंस और मिस्ट्री से भरती चली जाती है। एंड जब इसके प्लॉट ट्विस्ट आते हैं ना तब तुम्हारा दिमाग पूरा हिल जाएगा। मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड और फुल मिस्ट्री से भरी स्टोरी लाइन इसकी। एंड इसका एंड जो था ना इट्स लिटरली अनएक्सपेक्टेड। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, आई लाइक व्हाट द हेल। एंड अगर इसके एपिसोड के बारे में बात की जाए तो सिर्फ 8 एपिसोड है। एंड इसे नेटफ्लिक्स वालों ने बनाया, तो हर एक एपिसोड 1 घंटे का है, मतलब 8 एपिसोड 8 घंटे के। एंड नॉर्मल एनिमे एपिसोड से कंपेयर करें तो ये एक 24 एपिसोड की एनिमे बनती है। एंड एक बात और रहेगी वो है इसकी एनिमेशन। मतलब कुछ मोमेंट्स पर कुछ सीन इतने अच्छे एनिमेट किए ना कि उन्हें देखकर तुम प्यार में ही पड़ जाओगे। इवन कैरेक्टर स्टाइल ओल्ड होने के बावजूद एनिमेशन की वजह से तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि तुम इस एनिमे को देखो, क्योंकि इसकी स्टोरी एक मेज की तरह है। मतलब कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग होना चालू होती है। एंड इसकी एंडिंग एक परफेक्ट एंडिंग है जो कि बहुत सारे एनिमे नहीं कर पाते। सो आई होप तुम इसे देखोगे एंड इट्स रियली वर्थ इट। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। तो मिलते एक और एक अंडररेटेड एनिमे के साथ, तभी के लिए सायोनारा।